गोरखपुर के रूपल श्रीवास्तव ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक में 113वीं रैंक हासिल की। पिता जालौन में सीडीओ हैं और माँ शिक्षिका हैं। किस तरह की जर्नी रही है आपकी यूपीएससी की और कैसे यहाँ तक हासिल की? ये मेरा सिविल सर्विसेज परीक्षा में थर्ड अटेम्प्ट था 2022 का, और मैंने ऑप्शनल अपना ज्योग्राफी चूज़ किया था। मेरी प्राइमरी एजुकेशन स्कूल की यही गोरखपुर लिटिल फ्लावर स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया NIT जमशेदपुर से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। पिता फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आपके सीडियो हैं, कितना स्पेशल और कहाँ से मिला, माता से, पिता से या फिर? क्योंकि पापा मेरे सर्विसेज में हैं, तो बचपन से मैंने अपने पापा को एज अ रोल मॉडल देखा है। हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी पापा के काम को देख के, तो एक प्राइमरी इंस्पिरेशन मेरी मेरे फादर से ही रही है। मम्मी मेरी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो टीचिंग में जाने का तो नहीं मन किया कभी, बट मम्मी से हार्डवर्क की इंस्पिरेशन ज़रूर मिली है। दो अटेम्प्ट आप फेल हो गए, तो हताशा निराशा नहीं आया? फिर कैसे आपने जर्नी को आगे स्टार्ट किया और आज सफलता पाके खुशी को मनाया जा रहा है? ये ऑब्वियसली अगर कोई भी किसी अटेम्प्ट में फॉल्टर करता है तो थोड़ी हताशा निराशा तो होना ही है, बट ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपका किसी अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, और जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं आप उसको एनालाइज कीजिए, उस पर इम्प्रूव कीजिए, तो इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी। यूपीएससी की सफलता को सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी सबसे ज़्यादा या कम तो नहीं, बट मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, इसके साथ ही मेरे फ्रेंड्स का, जिन्होंने हमेशा मोटिवेटेड रखा, सपोर्ट किया गुड टाइम्स बैड टाइम्स के थ्रू, तो इन सब की वजह से। मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा है। अमृता श्रीवास्तव की माता जी भी यहीं पे हैं, जो डीवीपी इंटर कॉलेज डीवीपी पीजी कॉलेज में शिक्षिका हैं। कैसा रहा जर्नी और कितना हार्डवर्क करती थी जो इस सफलता को प्राप्त किया? रूपल बहुत हार्ड वर्क करी है और इसके लिए उसने दिनों रात मेहनत करी है। हमेशा अपनी गलतियाँ, जो गलतियाँ होती थी, हमेशा टेस्ट वगैरह देती रहती थी, टेस्ट सीरीज़, उसमें देखती थी कि किसमें कम नंबर हैं, कैसे कम हो गए। तो हमेशा टीचर्स के कांटेक्ट में रहना, और बहुत लेबोरियस थी। जो चीज़ ठान लेती थी कि आज मुझको ये पढ़ के ही सोना है, वो पूरा करके ही सोती थी। तो बहुत लगन और एक लक्ष्य बनाकर चली थी, इसलिए आज इसको सफलता मिली हुई है। जब शिक्षा के साथ साथ आदर्श और शिक्षा संतुलन बनाने के साथ साथ पिता सीडीओ हैं यूपीएससी से, वही क्रैक करके वहां तक हाँ पहुंचे हैं, तो उनका भी गाइडेंस कैसे मिलता रहा है और उस गाइडेंस से नहीं, सफलता इसके मिली? पापा तो इसको बहुत गाइड करते थे। ये अपने पापा को हमेशा से कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम होती थी वो ज़्यादा ये पापा से ही पूछती थी, तो पापा तो ने इसको बहुत गाइड किया और कभी भी इसको मतलब निराश नहीं होने दिया। बोले बेटा देती रहो, ये लंबी जर्नी है, इसमें एक बार में सफलता मिलना बहुत आसान नहीं होता है। तो ये लड़की हमारी हमेशा लगन से पढ़ती रही और इसके मन में था कि एक दिन मैं जरूर सफल होंगी, और आज वो दिखाई दे रहा है। माता पिता ने दिया साथ तो रूपल श्रीवास्तव ने गोरखपुर समाज और परिवार का बढ़ाया मान। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मुकेश कुमार, गोरखपुर।